नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आज संडे है और संडे के दिन जिस तरीके से लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं गांधी मैदान के पास कारगिल चौक का। आप कारगिल चौक को देखिए, जिस तरीके से आपका जहां तक नज़र जाएगा आपको लोग तो नज़र आएंगे पर ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि सभी को पता है कि पटना में भारी भरकम नियंत्रण के लिए कैमरे लगाए गए हैं और अब कैमरे के भरोसे पटना को छोड़ा जा रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो बड़े आराम से कहीं ना कहीं छांव के लिए बैठे हुए नज़र आते हैं। तो आप पटना का दृश्य देखिए कारगिल चौक का, कि जहां तक आपको नज़र जाएगा वहां तक आपको गाड़ियां दिखेंगे, भीड़ दिखेगी पर पुलिस नज़र नहीं आएगा। यहीं पर एक चौकी है और चौकी पर आप देखिए कि किस तरीके से लिखा हुआ है, आई हेल्प यू, यानी कि अगर आपको पुलिस का ज़रूरत पड़ेगा तो आपको यहाँ पर पुलिस सुविधा उपलब्ध करवाएगी। आपातकालीन नंबर भी दिया गया है, थाना अध्यक्ष गांधी मैदान का मोबाइल नंबर दिया गया है, DCPR नगर का भी नंबर दिया गया है, यानी कि तमाम नंबर उपलब्ध कराया गया है। यहाँ तक कि 100 नंबर जो इमरजेंसी नंबर होता है, जो 24 घंटे सेवा में हरदम उपस्थित रहती है, उसका भी नंबर दिया गया है। लेकिन मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊंगा, आप अंदर का दृश्य देखिए कि आई हेल्प यू, तो यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए कोई भी नज़र नहीं आएंगे। पंखे चल रहे हैं, हर चीज़ का व्यवस्था है। एक मैडम है, मैडम बड़े आराम से बैठे हुए हैं, सोए हुए थे कि क्या करें, तो ये आपने अभी कैमरे पे देखा। लेकिन आप देखिए आई हेल्प यू का दृश्य निकल कर क्या सामने आ रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से कैमरे के भरोसे छोड़ दिया गया है। आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि सामने दिखाइए कि एक आपको खंभे नज़र आ रहे हैं लाइट के, जिसमें आपको चारों ओर से जो CCTV लगाया गया है वो CCTV नज़र आ रहा होगा, यानी कि अब चालान जो पटना में है वो कैमरे के बदौलत कट रही है। जो नियंत्रण रखा जा रहा है गाड़ियों पर वो कैमरे के बदौलत रखा जा रहा है और बिहार ट्रैफिक पुलिस को आराम करने के लिए कहीं ना कहीं कोई जगह दे दिया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा जहां पर एक लेडीज़ किस तरीके से पंखे चलाकर आराम से सोती हुई नज़र आई, कैमरा जैसे ही उन पर पड़ा धड़फड़ा कर वो उठती है और उठने के बाद बैठती है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तमाम पटना पुलिस जो दावा करती है उसकी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। सावन का महीना चल रहा है, आप ये भीड़ देखिए कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो भी जा रहे हैं लेकिन उनकी व्यवस्था में भी कोई नहीं। तो ट्रैफिक व्यवस्था जो है इस वक्त पूरा पटना का आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ कैमरे के बदौलत ही चल रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से कैमरा लगाकर पुलिस को एक बड़ी राहत दी गई है पटना में। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।